Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी आज के लेक्चर का आगाज करते हैं आज हम ऑफिशियली अपना चैप्टर 18 स्टार्ट करने जा रहे हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर uh, डिफ़िकल्ट नहीं है लेकिन इसमें कन्सेप्ट थोड़े ज़्यादा है, हैं छोटे छोटे कन्सेप्ट हैं इसलिए कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा प्रॉब्लम होती है uh, लेकिन अगर आप इसको साथ साथ याद करते जाए पढ़ते जाए समझते जाएँ तो आपके लिए चैप्टर इजी साबित होगा अहम चीज़ ये है कि क्या आप साथ, -साथ इसको डेली बेसिस पे प्रिपेयर कर रहे हैं रीड कर रहे हैं कि नहीं तो आज के लेक्चर हम ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट इसमें कल आपसे ये मैंने एग्री कर लिया था कि तरतीब इसमें डिफरेंट होगी पढ़ेंगे हम सारी चीज़ें लेकिन तरतीब थोड़ी डिफरेंट होगी इसीलिए आप देख रहे हैं कि हमारा जो पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो हमने स्टार्ट किया है लर्निंग ऑब्जेक्टिव अलेवन से ठीक है इसकी वजह यह है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव अलेवन से वो नगोशियबल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट हो रहा है जिसके साथ आप सब फेमिलियर हैं बाकी की जो टाइप्स ऑफ निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट्स की मैं भी आप उनके साथ फेमिलियर हों या ना हो लेकिन चेक के साथ हम सारे फेमिलियर होते हैं तकरीबन तो इसके कंसर्ट्स को समझना आसान है और एक दफ़ा चेक एक टाइप के भी अगर आपको अच्छे तरीके से समझ लग गई तो बाकी टाइप्स ऑफ निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट समझना हमारे लिए आसान हो जाता है तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ रिवीजन करना चाहता हूं कल के कंसेप्ट की आपको याद होगा हमने कल एक इंट्रोडक्शन लिया था नीगोशियबल इंस्ट्रूमेंट का तो सबसे पहले मुझे बताइए कि नगोशियबल इंस्ट्रूमेंट में लफज नगोशियबल से क्या मुराद है ट्रांसफ़रेबल जो कि एक पर्सन से दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र हो सके और इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है रिटर्न पीस ऑफ पेपर जो कि राइट टू रिसीव मनी इस्टेब्लिश करता है यानी निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट ऐसा पीस ऑफ पेपर होगा जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होगा और जिससे जिस बंदे को भी ये ट्रांसफर हो रहा है उसका राइट टू रिसीव इस्टेब्लिश हो जाएगा यानी उस निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट पे जो भी अमाउंट लिखी होगी जिस बंदे को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करेंगे वो हकदार होगा कि उस अमाउंट को रिसीव कर सके यह निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तीन टाइप्स हैं प्रोमिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और, और चेक।, चेक तीन और यह जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर होता है इसे हम क्या नाम देते हैं निगोशिएशन का ठीक है जो ट्रांसफरिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट है इसे हम नाम देते हैं निगोशिएशन का मतलब है इंस्ट्रूमेंट का एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होना निगोशियशन कोई अलहदा से टर्म नहीं है ये निगोशिएबल से ही निकली है ठीक है निगोशिएशन का मतलब ट्रांसफर होना इंस्ट्रूमेंट अब हमारे पास तीन टाइप्स हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की फ्रॉम मिजरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चेक से हमारे लिए चेक को समझना चेक के मैकेनिज्म को समझना आसान होगा सबसे पहला कंसेप्ट चेक के इसेंशियल्स क्या है इसेंशियल्स का मतलब समझ लीजिए कि क्या चीजें जो हैं वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में पाई जाएंगी तो हम कहेंगे ये चेक है इसेंशल्स का मतलब क्या है क्या चीजें किसी चीज में पाई जाएंगी तो हम कहेंगे ये चेक है या दूसरे लफ्ज़ों में एक चेक में क्या खूसियात होना जरूरी हैं करैक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं ठीक है लेकिन नॉर्मली वो आ, चेक के साथ इसेंशियल्स का वर्ड यूज करता है इसेंशियल ऑफ चेक तो क्या क्या चीजें कल हम ये पढ़ चुके हैं कल के इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको दिया था उसमें हमने इसेंशल्स पढ़ लिए थे प्रोमिजरी नोट के भी बिल ऑफ एक्सचेंज के भी चेक के भी लेकिन मैंने आपको बताया था कि डिटेल में हम साथ साथ ये डिस्कस करेंगे <clears throat> तो आज हम चेक को पढ़ रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं चेक के इसेंशियल से सबसे पहला सेंशियल मुझे बताइए राइटिंग क्या मतलब चेक हमेशा राइटिंग में होना चाहिए अगर ओरल ऑर्डर दिया जाता है बैंक को पेमेंट करने के लिए वो कभी पेमेंट नहीं करेगा और ये इसेंशियल सिर्फ चेक का नहीं है बल्कि जो हमारे बाकी के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है प्रोमिजरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज वो भी रिटर्न फॉर्म में होते हैं तो इसका रिटर्न फॉर्म में होना जरूरी है नेचर क्या है क्या ये प्रोमिस टू पे है क्या ये रिक्वेस्ट टू पे है ये ऑर्डर टू पे है ऑर्डर टू पे है और हमने कल के लेक्चर में ये सीखा था प्रोमिजरी नोट जो है ये प्रोमिस टू पे है लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर टू पे और चेक जो है ये भी ऑर्डर टू पे नेचर क्या है ऑर्डर नेक्स्ट अनकंडीशनल होना चाहिए ठीक है अनकंडीशनल होना चाहिए वैसे प्रोमिजरी नोट भी अनकंडीशनल होता है बिल ऑफ एक्सचेंज भी अनकंडीशनल होता है और चेक भी अनकंडीशनल होता है अनकंडीशनल का मतलब क्या है आप किसी को जब कोई निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट देंगे आप कंडीशन नहीं लगा सकते थर्ड पार्टी को भैया इसको उस वक्त पेमेंट करना जब ये हमारा प्रोजेक्ट सारा कंप्लीट कर चुके क्योंकि थर्ड पार्टी कहेगी मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि आपने जो भी कंडीशन उसके ऊपर इंपोज की है उसको वेरीफाई कर सकूँ उसने पूरी की है कि नहीं की तो चेक को हमेशा अनकंडीशनल आप कोई कंडीशन नहीं लगा सकते कि ये शर्त पूरी करेगा फिर इसको पेमेंट कर दिया वरना पेमेंट नहीं करना बैंक वाले कहेंगे सर हमारे पास जो बंदा भी चेक लेके आ गया हम उसको पेमेंट कर लेंगे आप चेक इशू आपने ये इंश्योर करना है चेक इशू करने से पहले कि क्या उसने सारी कंडीशन पूरी कर दी है ठीक है फिर उसके बाद चेक एक दफा चेक इशू कर दिया अब आप कंडीशन नहीं लगा सकते उस पार्टी के ऊपर तो चेक को अनकंडीशनल होना चाहिए नेक्स्ट पेएबल हमने कल ये पढ़ा था इंस्ट्रूमेंट जो है वो टाइम इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है डिमांड इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है इसके अलावा एक टाइप पढ़ी थी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और बेर इंस्ट्रूमेंट बेर इंस्ट्रूमेंट बेरर इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है जो उसकी पेमेंट किसी को भी हो सकती है और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है स्पेसिफाइड पर्सन को जो पेबल होगा और ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन होगा ये कहां स्पेसिफाइड होगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इसका नाम लिखा होगा स्पेसिफाइड पर्सन का ठीक है तो और दूसरी टाइप क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी टाइम और डिमांड इंस्ट्रूमेंट डिमांड इंस्ट्रूमेंट किसको कहते हैं जी जो के जैसे ही आपने प्रेजेंट किया इमीजिएटली पेबल होगा जैसे ही प्रेजेंट किया इमीजिएटली पेबल और टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या है जिस पे कोई डेट या टाइम लिखी हो कि ये इस वक्त पेबल होगा जैसे अगर इंस्ट्रूमेंट में हम ये लिख दें कि ये आज से तीन महीने के बाद पेबल होगा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है टाइम इंस्ट्रूमेंट या ये लिख दिया जाए कि ये 31 मार्च को पेबल होगा 31 मार्च 2020 को कौन सा इंस्ट्रूमेंट है टाइम इंस्ट्रूमेंट ठीक है अच्छा मुझे बताइए प्रोमिजरी नोट डिमांड इंस्ट्रूमेंट हो सकता है क्या टाइम दोनों हो सकते हैं दोनों हो सकते हैं प्रोमिजरी नोट टाइम भी हो सकता है डिमांड भी हो सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज टाइम भी हो सकता है डिमांड भी हो सकता है चेक हमेशा डिमांड इंस्ट्रूमेंट हो बैंक कभी आपको यह नहीं कहता या चेक पे कभी नहीं आप ये लिखते कि आज से तीन महीने बाद पेबल होगा छह महीने बाद दस महीने बाद पेबल होगा ये जैसे ही आप बैंक के पास जाएंगे ये और डिमांड करेंगे ये ऑन डिमांड पेबल है हाँ चेक के कंप्लीट होने की एक शर्त है उसके ऊपर डेट लिखिए ठीक है और अगर आप बाद की कोई डेट डालते हैं वो टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं बन जाता अगर वो उसे हम नाम देते हैं पोस्ट डेटेड चेक उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती ठीक है टाइम दो महीने तीन चेक के ऊपर दो या तीन महीने बाद की डेट डाल देने से वो टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं बन जाता वो स्टिल डिमांड क्योंकि डिमांड का मतलब क्या है कि जब आप उस बंदे के पास जाके प्रेजेंट वो इमीजिएटली पे करेगा ठीक है तो चेक जो है हमेशा डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है फिर इसके बाद पार्टीज चेक में कितनी पार्टीज होते हैं तीन नॉर्मली दो भी हो सकती हैं जो प्राइमरी पार्टीज होती हैं वो मैक्सिमम तीन हो सकते हैं कौन कौन सी ड्रॉर ड्रॉर किसको कहते हैं जो लिखता है अच्छा सुन लीजिए जरा जो प्रोमिजरी नोट लिखता है उसको कहते हैं मेकर जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है उसको कहते हैं ड्रॉर और जो चेक लिखता है उसको भी कहते हैं ड्रॉर ठीक प्रोमिजरी नोट लिखने वाले को क्या कहते हैं मेकर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखने वाले को ड्रॉर चेक लिखने वाले को ड्रॉ और जिस बंदे को कहा जाता है कि तुम पेमेंट करो बिल ऑफ एक्सचेंज में जिस बंदे को कहा जाएगा तुम तो ड्राई चेक में जिस बंदे को कहा जाएगा कि पे पेमेंट पे 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 बैंक। इसका मतलब है चेक के केस में ड्राई हमेशा बैंक होगा चेक के केस में ड्राई हमेशा बैंक होगा और क्या चेक के ऊपर उस बैंक का नाम स्पेसिफाइड होता है हमेशा होता है दुनिया का कोई चेक ऐसा नहीं है जिसके ऊपर बैंक का नाम ना लिखा हो बल्कि छपा होता है वो ऑलरेडी लिखने की जरूरत नहीं छपा होता ही किसको कहते हैं जिसको पैसे। जिसको पैसे पेमेंट करने हैं? ठीक है पे प्राइमरी पार्टीज तीन होती हैं देखिए बाद में जब जरा थोड़ा हम कंसेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज की तरफ जाएंगे तो उसमें हो सकता है आपको मजीद पार्टीज भी उसमें ऐड हो जाए क्योंकि बाजू का तीन पार्टीज नहीं मैंने इनको चेक दिया कि ये लो भाई मैंने तुम्हें पेमेंट करनी थी बैंक से ले लो हो सकता है ये जाके बैंक, बैंक से पेमेंट ले ले हो सकता है ये चेक आगे किसी और पार्टी को दे दे कि भैया मेरी बजाय तुम पेमेंट ले लो मैंने तुम्हारे पैसे देने तो मजीद पार्टीज ऐड हो सकती है प्राइमरी पार्टीज कितनी होती हैं तीन प्रोमिजरी नोट में कितनी होती हैं और बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन और चेक में तीन क्लियर हो गया ड्रॉ ड्राई और पे और ड्राई इसमें हमेशा क्या होगा बैंक तीन पार्टीज मनी okay. इसके दो कंसेप्ट है। एक तो ये कि चेक पे हमेशा अमाउंट रुपीज मेंशन होंगे आप कोई और चीज बल्कि सारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ये रोल है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो चीज पे करनी है वो पैसे होंगे अगर आप उसके साथ कोई ऐड कर दे कि भैया इसको इस कंपनी के दस हजार शेयर दे दो निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है इसको दस हजार रुपया प्लस इसको पांच हजार रुपये का फर्नीचर अदा भी दे देना यह भी निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है नीगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ और सिर्फ माउंट मेंशन होगी सिर्फ और सिर्फ मनी और यह मनी जो है ये सर्टन होगी आप ये नहीं लिख सकते कि इस बंदे को एक महीने की मुनासिब मुआवजा एक महीने काम करने का जो मुनासिब मुआवजा होता है वो दे दो निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है बताया नहीं कितना मास ये भी नहीं लिख सकते कि मैं आपको एक महीने के बाद एक लाख रुपया प्लस जितनी आपकी कमीशन बनेगी टेन परसेंट के हिसाब से जितनी सेल होगी वो अदा करूंगा यह भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं क्यों नहीं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमाउंट शर्टन में लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बाद चेक में तो नहीं लिखते लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में एक स्टेटमेंट लिखते हैं उसको ला कहता है ये सर्टन है वो क्या है? मैं आपको एक महीने बाद एक लाख रुपए प्लस एक महीने का इंटरेस्ट एट रेट ऑफ टेन परसेंट अदा करूंगा इसको ला कहता है ये सर्टन है कैसे सर्टन है आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको कहते हैं तो जो निगोशिएबल इंस्टूमेंट कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा इस पे जो आपने पे होगी चीज वो क्या होगी सिर्फ मनी और वो सर्टन होनी चाहिए कंफर्म अमाउंट अमाउंट होनी चाहिए कितनी होगी चेक पे भी सर्टन होती है हमेशा साइंड बाय कौन साइन करता है चेक को ड्रॉ अब जरा कंपेयर करें प्रोमिजरी नोट को कौन साइन करता, करता है भला प्रोमिजरी नोट को कौन साइन करता है मेकर प्रॉमिसरी नोट को कौन साइन करता है बिल ऑफ एक्सचेंज को कौन साइन करता है ड्रॉ और ड्रॉई और चेक को कौन साइन करता है ड्रॉ अच्छा मुझे बताइए मुझे एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गिरा हुआ मिला मैंने उठा के देखा उस पर दो पार्टीज के चेक थे पहचानिए कौन सा निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट शाह बिल ऑफ एक्सचेंज और अगर एक पार्टी के साइन हो चेक भी हो सकता है प्रोमिजरी नोट भी हो सकता है ठीक है चेक तो आप एक नज़र में पहचान लेंगे इसेंशियल्स क्लियर हो गए चेक के क्या है yes, चलिए कोई कंफ्यूजन तो नहीं देखिए, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में स्पीड अहम नहीं है अंडरस्टैंडिंग अहम है अगर आपको कोई थोड़ी सी भी कंफ्यूजन लगती है पूछ लिया कीजिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो फिर हम आगे चलेंगे इसमें इंटेंशनली मैंने स्पीड थोड़ी कम रखी है जब ये टॉपिक चल रहा होगा स्पीड ताकि अंडरस्टैंडिंग वो पूछेगा केस स्टडीज अगर रटा पूछ रहा होता ना तो फिर स्पीड तेज होने पे भी मसला कोई नहीं था वो केस स्टडी पूछता है तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना ज्यादा जरूरी आगे चले नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा चेक की असेंशल्स हमने पढ़ लिए चेक की टाइप्स कितनी होती है चेक की टाइप्स कितनी होती हैं ठीक है चेक की दो बड़ी टाइप्स हैं चेक की दो बड़े एक को कहते हैं ओपन चेक एक को कहते हैं क्रॉस्ड चेक चेक की कितनी टाइप्स ओपन क्रॉस्ड ओपन चेक कौन सा है जो के काउंटर पे अदा हो सके यानी आप बैंक में जाएं, चेक प्रेजेंट करें और बैंक वाला कहे ले लीजिए सर चेक अपने पास रखें। सिग्नेचर वगैरह वेरीफाई करें, बैलेंस देखें मौजूद है तो आपको कैश दे दें सर कैश लेके जाइए इसे कहते हैं ओपन चेक जिसकी पेमेंट बैंक काउंटर पे हो सकती है कैश काउंटर पे हो सकती है एक दूसरा होता है क्रॉस चेक क्रॉस चेक की पेमेंट कैश काउंटर पर नहीं होगी क्रॉस चेक की पेमेंट होगी डायरेक्ट अकाउंट में अकाउंट में क्रॉस चेक असल में इसलिए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि मनी ट्रेल बन सके पता हो सके सबूत हो सके कि किस पार्टी ने किस पार्टी को चेक इशू किया और उसके अकाउंट में पैसे गए कि नहीं गए कल कला को कोई डिस्प्यूट अराइज होता है या पता चलता है कि जो चेक है ये चोरी का था तो पता चल सके कि किस बंदे के अकाउंट में पेमेंट हुई है चोरी उसके खिलाफ केस किया जा सके क्रॉस चेक ज्यादा सिक्योर है ओपन चेक ओपन चेक में पार्टी गई कोई भी किसी को गिरा हुआ चेक मिला ओपन था वो बैंक में जाएंगे पैसे ले जाएंगे आप उसके बाद ढूंढते रहेंगे कुछ पता नहीं चलेगा ये किधर से बंदा आया किधर चला गया क्रॉस चेक में आपके पास ट्रेल रहता है हिस्ट्री रहती है रिकॉर्ड रहता है इसीलिए प्रैक्टिकली क्रॉस चेक ज्यादा सिक्योर समझा जाता है ठीक है और ज्यादातर आप देखेंगे जो एक दूसरे को पेमेंट छोटे मोटे अमाउंट के चेक शायद आपको ओपन मिले लेकिन नॉर्मली क्रॉस चेक ही यूज किए जाते हैं ये ज्यादा सिक्योर है दो टाइप समझ आ गए अब क्रॉसिंग कैसे की जाती है क्रॉसिंग कितनी किस्म की है और ये कैसे की जाती है ये हम स्टडी करने लगे हैं क्रॉसिंग की टाइप चेक की टाइप्स पढ़े थे दो टाइप्स से ही चेक की ओपन क्रॉस्ड अब आगे क्रॉसिंग कितने तरीकों से की जाती है और उनमें फर्क क्या है ये पढ़ रहे हैं हम कहता है एक तो होती है जनरल क्रॉसिंग आम क्रॉसिंग आम तौर पे जो किए जाते हैं इसमें क्या होता है इसमें हम चेक के ऊपर जैसे फर्ज कीजिए ये चेक है इसको बैंक का नाम वगैरह जो भी है सारी चीजें आज यहां पे आप दो लाइनें लगा दें कॉर्नर में अच्छा दरमियान में नहीं लाइनें लगानी दरमियान में लाइनें लगाएंगे इसका मतलब है आपने चेक कैंसल कर दिया उसका स्टेटस खत्म हो गया कॉर्नर कॉर्नर पे पे लेफ्ट साइड अपर यहां पे दो लाइन लगा देते बाज कुछ लोग इसमें एंड कंपनी लिखते हैं कुछ नहीं लिखते वो पुरानी प्रैक्टिस थी वो लिखना जरूरी नहीं सिर्फ लाइनें लगा दें ये चेक क्रॉस हो गया और कौन सी क्रॉसिंग हुई जनरल क्रॉसिंग जनरल क्रॉसिंग का मतलब क्या है अब ये चेक कैश काउंटर पे पे नहीं होगा ये बैंक अकाउंट में जाएगा बैंक अकाउंट में जाएगा आपने अगर वो चेक का फॉर्मेट देखा हो तो यहां पे नाम होता है, यहां पर रुपीज लिखे होते हैं रुपीज यहां पे अमाउंट होती है ऊपर डेट और यहां पे सिग्नेचर के लिए जगह छोड़ी होती है नॉर्मली ये होता है थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकते हैं ये यह यहाँ पे लिखा होता है पे किसको पे करना है जो कि नॉर्मली हम ही छोड़ते हैं और बेरर भी लिखा होता है ये आपने पढ़े कभी लफ्ज कितने स्टूडेंट्स ने चेक देखा हुआ है और कितने स्टूडेंट ने चेक नहीं ये मैं इसलिए देख रहा हूं क्योंकि अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको फॉर्मेट उसका कोई एक रियल चेक की कॉपी जो है वो आपको प्रोवाइड कितने स्टूडेंट ने चेक नहीं देखा हुआ कोई देखिए हम सीख रहे हैं इसमें कोई शर्म की बात नहीं है हाँ कितने स्टूडेंट ने चेक चार पाँच छः सात आठ चलिए ठीक है नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि चेक का फॉर्मेट जो है वो क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं ये फॉर्मेट है पे आरबीआई पे का मतलब क्या यहां पे अगर हमने नाम लिखना हो कि किसको इश्यू कर रहे हैं तो वो लिख सकते हैं ये दो लाइनें लगा दी कौन सी क्रॉसिंग हुई कौन सी क्रॉसिंग जनरल जनरल क्रॉसिंग का इफेक्ट क्या है अब ये किसी बैंक अकाउंट में ही जाएंगे पैसे कैश में पेमेंट नहीं हो सकते यानी अगर आपको कोई क्रॉस चेक मिला और आपका बैंक में अकाउंट नहीं है आप पैसे नहीं ले सकते ओपन चेक मिला आपका बैंक में अकाउंट नहीं है वो पैसे ले सकते हैं वो इन कैश हो सकता है क्रॉस चेक मिला और बैंक अकाउंट नहीं है आपका पेमेंट नहीं हो सकते क्रॉस चेक हो गया इफेक्ट क्या है बताइए ओपन चेक निगोशिएबल है सोच के बताना बिल्कुल है आप किसी को भी दे सकते हैं वो कैश करवा सकते ये आपके सामने चेक है क्रॉस चेक जनरल क्रॉसिंग ये निगोशिएबल है कितने स्टूडेंट का ख्याल है निगोशिएबल नहीं है ये निगोशिएबल है क्योंकि हमने ये तो मेंशन किया कि इसको अकाउंट में डालना किसके अकाउंट में डालना है यह मेंशन नहीं किया तो इसका मतलब है ये किसी भी पार्टी को आप हवाले कर सकते हैं कोई भी पार्टी जिसका बैंक में अकाउंट है इसको अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकते हैं जनरल क्रॉसिंग समझ आ गया ठीक है जनरल क्रॉसिंग अच्छा अगर हम इसमें यह लिख दें अकाउंट इसको हम लिख दें मिस्टर बिलाल अब्दुल मजीद चले जो भी मिस्टर बिलाल और इसके अंदर लिख दें गौर से सुनेगा अकाउंट पे ओनली क्या अल्फाज लिखे इसका मतलब क्या है कि भाई ये चेक पे जो है ना पेई सिर्फ उसके अकाउंट में डालो अकाउंट पेई ओनली का मतलब क्या है ये चेक सिर्फ पेई के अकाउंट में डालो बैंक कहेगा अच्छा पे ही कौन है आगे के आगे नाम लिखा हुआ है पे मिस्टर बिलाल इसका मतलब है ये चेक सिर्फ और सिर्फ मिस्टर बिलाल के अकाउंट में जा सकता है ये और किसी के अकाउंट में सम टाइम हम इसके साथ आगे मिस्टर बिलाल सन ऑफ अब्दुल करीम भी लिख देते हैं समटाइम आप इसके साथ इसका स्नाती कार्ड नंबर भी लिख सकते हैं ताकि सिक्योर हो जाए भाई सिमिलर नेम से कोई दूसरा बंदा जो है वो इसको कैश ना करवा ले। अकाउंट पे ही ऑनली का मतलब क्या हुआ सिर्फ पे ही के अकाउंट में पैसे डालो और किसी के अकाउंट में पैसे ना अब मिस्र सईद आ गया उसको इस चेक की पेमेंट मिल सकती है नहीं मिल सकती इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया क्या कि अब ये पैसे सिर्फ और सिर्फ मिस्टर बिलाल को मिले और किसी को ना मिले ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया रिस्ट्रिक्ट कैसे करते हैं रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग कैसे करते हैं दो लाइनें लगा के उसके दरम्यान में काउंट पे ही लिख लिखते रिस्ट्रिक्ट जनरल क्रॉसिंग कैसे होती है दो लाइनें लगा दो तो. जनरल क्रॉसिंग का इफेक्ट क्या है पेमेंट कैश में नहीं होगी बैंक अकाउंट में होगी रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग क्या है कि आप स्पेसिफाई कर दे अकाउंट पे ही ओनली कि सिर्फ जिस बंदे का नाम मेंशन किया है उसके अकाउंट में पैसे डालो जब आपने अकाउंट पे ही ओनली लिख दिया पे में मिस्टर बिलाल का नाम लिख दिया अब जरा मुझे क्वेश्चन बताइए ये चेक ट्रांसफरेबल है निगोशिएबल है अब निगोशिएबल नहीं रहा क्योंकि अब ये चेक सिर्फ और सिर्फ मिस्टर बिलाल के अकाउंट में जाएगा और किसी के अकाउंट में नहीं जाएगा तो जनरल क्रॉसिंग और रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग में फर्क समझ आया जनरल क्रॉसिंग में सिर्फ लाइनें लगाते हैं इफेक्ट क्या है सिर्फ अकाउंट में पैसे जाएंगे अब कैश काउंटर पे पेमेंट नहीं होगी रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग में क्या करते हैं हम हम अकाउंट पे ही ओनली लिख देते हैं और उसका नाम लिख देते हैं अब क्या फर्क पड़ा अब ये फर्दर आगे किसी को ट्रांसफर नहीं हो सकता सिर्फ मिस्टर बिलाल इन कैश करवा सकता है क्लियर हो गई ये बात आगे चलते हैं नॉर्मली जो मैंने थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस एक्सपीरियंस में देखा है पेंशनर हजरात को जो चेक इशू किए जाते हैं वो क्रॉस भी होते हैं और उनको रिस्ट्रिक्ट भी किया जाता है क्रॉस लाइन लगाई जाती है दरम्यान में लिखा जाता है अकाउंट पे ही ओनली

लेकिन इसका नुकसान क्या होता है यह निगोशिएबल नहीं रहा फर्दर ट्रांसफरेबल नहीं रहा जनरल क्रॉसिंग समझ आ गए रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग समझ आ गए ठीक है अब रिस्ट्रिक्टिव क्रॉस एक चेक होता है बेरर चेक अगर हम इसमें फर्ज कीजिए बेरर का लफज आगे लिखा होता है इसमें हमने नाम मेंशन नहीं किया कंसेप्ट के लिहाज से चलना है अकाउंट पे ही ओनली लिखा नाम मेंशन नहीं किया आगे लिख दिया और बियर अब इसका मतलब क्या हुआ अब ये निगोशिएबल है अगर आप फर्स्ट कीजिए यहां पे अकाउंट पे क्रॉसिंग कर दी जनरल क्रॉसिंग ठीक है तो अब इसका मतलब क्या हुआ ये निगोशिएबल है लेकिन अब अकाउंट पे ही ओनली लिखे और आगे मेंशन कर दें नाम कि किसको पे करना है सिर्फ उसी अकाउंट में जाएगा दोनों में फर्क समझ आ गया अब आगे चलते हैं स्पेशल क्रॉसिंग क्या होती है स्पेशल क्रॉसिंग जनरल क्रॉसिंग आपने दो लाइनें लगा दी रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग आपने अकाउंट पे ही ओनली लिख दिया और मेंशन कर दिया कौन पे ही होगा प्रोसेस क्या होता है हमारा मुझे चेक अगर मिलता है फर्ज कीजिए मिजान बैंक का राइस की तरफ से मेरा अकाउंट है फैसल बैंक में चेक मिलेगा क्रॉस मैंने कहां जाके जमा करवाना वाला अपने अकाउंट में फैसल बैंक में ठीक है फैसल बैंक में फैसल डेली बेसिस पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में सारे बैंक के रिप्रेजेंटेटिव जमा होते हैं और एक दूसरे के जो चेक्स आए होते हैं ये एक दूसरे से पेमेंट लेते हैं रिसीव करते हैं मैंने अपने अकाउंट में जमा करवाया जो कि फैसल बैंक में है फैसल बैंक मिजान बैंक से कैसे पैसे लेगा फैसल बैंक शाम को सारे चेक इकट्ठे करके स्टेट बैंक के ऑफिस में जाएगा वहां पे मिज़ान बैंक और दूसरे बैंक के रिप्रेजेंटेटिव भी आएंगे वो अपने टोटल चेक करके मिज़ान बैंक वालों को देगा और उससे पैसे कलेक्ट करेगा पैसे कलेक्ट करने के बाद मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा अगर कलेक्शन हो जाती है ऐसे नहीं होगा कि मैंने चेक दिया और उसने उसी को मेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया ऐसे नहीं होगा बल्कि पहले वो जाएगा स्टेट बैंक उधर सारे बैंकों के रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे होते हैं आपस में जो भी लेन देन होता है उनका वो चेक टोटल करके दूसरे के हवाले करते हैं दूसरा टिक कर लेता है हाँ भाई हमारे बैंक का चेक है जेनवन चेक है उसकी पेमेंट है उसके वाले कर देता है वो फिर मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे इस प्रोसेस को कहते हैं क्लियरिंग प्रोसेस इस प्रोसेस को क्या कहते हैं क्लियरिंग क्लियरिंग प्रोसेस में एक छोटा सा रिस्क है क्या मे बी के वो जो चेक है वो कई लोगों का एक से ज्यादा अकाउंट्स बैंक्स में भी अकाउंट्स होते हैं मेरा फर्ज कीजिए फैसल बैंक में भी अकाउंट है और मेरा बैंक ऑफ पंजाब में भी अकाउंट है मैंने चेक दिया फैसल बैंक को फैसल बैंक उधर पहुंचा और मैं भी वो चेक इधर उधर गिर गया हो और बैंक ऑफ पंजाब वाले ने देखा उसने कहा यार ये बंदा तो हमारे बैंक में भी इसका अकाउंट है तो ये लगता है मेरे ही चेक था जो गिर गया है वो मैं भी उस चेक को अपने अकाउंट में क्लियर करवा ला हो सकता है इस रिस्क से बचने के लिए कि जिस बैंक को मैंने चेक दिया है सिर्फ वही कलेक्ट कर सके एक ऑप्शन रखी गई है स्पेशल क्रॉसिंग की स्पेशल क्रॉसिंग में हम लाइन लगाते हैं लाइन लगाते हैं और इस लाइन में या इसके ऊपर नीचे मे भी यहां पे अकाउंट पे ही ओनली लिखा हो या मे भी ना लिखा हो सिर्फ सिंपल क्रॉसिंग भी दोनों सूरतों में यहां पे हम मैं लिख सकता हूं फैसल बैंक फैसल बैंक जब मैं फैसल बैंक लिखूंगा इसको कहते हैं स्पेशल क्रॉसिंग इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो कलेक्शन करेगा मेरे ब्याह पे वो सिर्फ फैसल बैंक करेगा और कोई नहीं करेगा अब जो मेरे ब्याह पे कलेक्शन करेगा वो कौन करेगा फैसल बैंक, बैंक। क्योंकि मेरे तो चार पांच बैंक्स में अकाउंट्स हैं ये ना हो कि मैंने फैसल बैंक को जमा किया और उधर जाके कोई चेक इधर उधर हो और यू वाला या बैंक ऑफ पंजाब वाला उस चेक को उस अकाउंट में डि... वो भी अगर जाके क्लियर करवाता है तो उस अकाउंट में पैसे चले जाएंगे ये कैसे पता चलेगा कि ये जो चेक थे अब वहां पे तो हजारों चेक होते हैं डेली बेसिस पे बल्कि लाखों चेक होंगे शायद तो वहां अब मिक्स होने का खतरा होता है कि कौन सा चेक कौन सा बैंक लेके आया था तो ये इंश्योर करने के लिए हर चेक के साथ निशानी के तौर पर उस बैंक का नाम लिखा जा सकता इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो क्लियरिंग के लिए जाएगा तो सिर्फ यही बैंक फैसल बैंक पैसे लेगा इसका ताल्लुक हम हमसे नहीं होता ये बैंकों का आपस का सिस्टम होता है जिसको उन्होंने स्मूथ रखने के लिए स्पेशल क्रॉसिंग की बात निकाल ली है मैं खुद भी स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता हूं लेकिन नॉर्मली हम अकाउंट होल्डर स्पेशल क्रॉसिंग नहीं करते हम जनरल क्रॉसिंग करते हैं हम रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग करते हैं स्पेशल क्रॉसिंग भी कर सकते हैं लेकिन नॉर्मली स्पेशल क्रॉसिंग कौन करता है बैंक वाला ये अपने चेक को अलादा आइडेंटिफिकेशन के लिए तो तीन तरह की क्रॉसिंग हो गई कौन कौन से जनरल रिस्ट्रिक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव स्पेशल जनरल क्रॉसिंग कैसे की जाती है दो नहीं क्यों की जाती है ये नहीं पूछ रहा क्यों की जा वो तो सिक्योर करने के लिए की जाती है कैसे की जाती है दो लाइनें लगा के दरम्यान में एंड को लिखें या ना लिखें वो प्रैक्टिस नहीं या पुराने जमाने में होता था दो लाइने लगा दी जनरल क्रॉसिंग इसका इफेक्ट क्या होगा ग्रेक्ट ग्रेक्ट ग्रेक्ट। अब कैश काउंटर में पेमेंट नहीं हो सकती सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसे जाएंगे और क्रॉसिंग की दूसरी टाइप क्या है रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग में क्या होगा सिर्फ जो पे है उसमें हम लिख देते हैं पे ही ओनली और पेई का नाम लिख देते हैं ठीक है अब सिर्फ उस अकाउंट पे के अकाउंट में पैसे जाएंगे और किसी बंदे के अकाउंट में पैसे नहीं जाएंगे रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग से आपका इंस्ट्रूमेंट निगोशिएबल नहीं रहता तीसरी टाइप कौन सी है स्पेशल क्रॉसिंग स्पेशल क्रॉसिंग में क्या करते हैं हम चेक पे बैंक का नाम लिख अच्छा देखें है चेक मिजान बैंक का लेकिन उसके ऊपर नाम क्या लिखा है इसका मतलब है स्टेट बैंक में जाके सिर्फ फैसल बैंक मिजान बैंक से पैसे ले सकता है और कोई बैंक नहीं ले सकता मेरी जो कलेक्शन करेगा मेरे बिहाफ पे वो कौन बैंक कर सकता है सिर्फ फैसल बैंक जिसका मैंने नाम लिख दिया यह है स्पेशल क्रॉसिंग क्लियर हो गया अच्छा आगे चलते हैं नॉट निगोशिएबल ये थोड़ा कंसेप्ट समझने की बात है कुछ अर्सा पहले आज से पांच-छह साल पहले चेक की ट्रांजैक्शंस को सिक्योर बनाने के लिए और लोगों का बैंकिंग सिस्टम पे चेक्स पे अतमाद बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने फैसला किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि आइंदा अगर कोई चेक दे और वो चेक डिसऑनर हो जाए तो उसको तीन साल तक की कैद हो सकती हैं ठीक है ये उन्होंने रिस्ट्रिक्शन में सजा पेनल्टी दी ताकि लोग जो बिला वजह एक दूसरे को चेक दे दिया करते हैं अकाउंट में पैसे कुछ भी नहीं है पाँच सौ रुपए हैं और कभी दस लाख कभी पंद्रह लाख का चेक इशू कर रहे थे तो लोगों का एतम उठ रहा था लोग कहते थे नहीं, चेक हमने रिसीव नहीं करना हमें कैश में पेमेंट कीजिए तो गवर्नमेंट ने बैंकिंग सिस्टम को प्रमोट करने के लिए ये पेनल्टी लगा दी इस तरह के गवर्नमेंट ने कुछ और काम भी किए है इंस्ट्रूमेंट में लिखा हुआ है चेक के सिस्टम को प्रोमोट करने के लिए जरा एग्जाम्पल आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी समझिएगा इसको मुझे सैलरी का चेक फर्ज कीजिए मैंने किसी पार्टी से पेमेंट लेने थे उन्होंने मुझे चेक इश्यू कर दिया क्या मैं मेरे पास चेक आ गया लॉ मेरे लिए मैं हूं कौन ए मैं ये चेक उसके ऊपर नाम शाम कुछ नहीं लिखा हुआ मैं ये चेक आगे किसी और पार्टी को दे सकता हूं निगोशिएबल है दे सकते हैं अगर क्रॉसिंग वगैरह कुछ कुछ भी नहीं हुआ मैंने इनको चेक दे देगोशियबल हो गया दे पे ही कौन था मैं था ये एक नई पार्टी आ गई इसको कहते हैं जिसके पास चेक हो उसे कहते हैं होल्डर जो नई पार्टी आती है ना इसको कहते हैं होल्डर इसके पास चेक ये आगे चेक थर्ड पार्टी को या फोर्थ पार्टी जो भी पार्टी नंबर है उसको भी ट्रांसफर कर सकते हैं फर्श कीजिए इनसे चेक गुम हो गया इनसे चेक क्या हुआ गुम हो गया इन भाई को चेक मिला चेक इन्होंने लिया अब गौर से सुनेगा चेक इन्होंने लिया ये होल्डर हैं चेक के होल्डर हैं चेक के इनके पास चेक होल्ड कर रहे हैं चेक ला दो टर्म बोलता है एक होल्डर एक होल्डर इन ड्यू कोर्स होल्डर होल्डर इन ड्यू कोर्स होल्डर कौन है चेक है या जिसके पास कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है होल्डर इन ड्यू कोर्स होल्डर इन ड्यू कोर्स ये कौन है वो जो लीगली राइट right है जिसका चेक की अमाउंट रिसीव करना होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब है लीगल ओनर उसका होल्डर दो तरह के हो सकते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स या होल्डर विद डिफेक्टिव टाइटल होल्डर विद डिफेक्टिव टाइटल होल्डर का मतलब क्या है कौन जिसके पास कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है फॉर एग्जाम्पल कौन सा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक उसे कहेंगे होल्डर अगर तो उसने जैनवन तरीके से यह चेक रिसीव किया है फॉर कंसीडरेशन फॉर कंसीडरेशन का मतलब क्या कि भाई कुछ चीज बेची बदले में चेक लिया तो वो होल्डर भी है होल्डर इन ड्यू कोर्स उसे हम कहते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स और अगर किसी ने चेक चोरी करके लिया या कोई वारदात में उसने गन पॉइंट में उसके सारे पैसे ले लिए उसमें चेक भी शामिल था ये होल्डर तो है होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है कहते होल्डर विद डिफेक्टिव टाइटल होल्डर विद अब बताइए होल्डर तो है बैंक में जाए पैसे मिलेंगे कि नहीं इसको होल्डर डिफेक्टिव टाइटल है मैं होल्डर ड्यू इसको तो डेफिनेटली मिलेंगे ना इसको तो कोई आर्गूमेंट ही नहीं है सोच के बताना है आपने होल्डर डिफेक्टिव टाइटल ने अपने, अपने अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए चोरी का चेक था अपने अकाउंट में चेक भेज दे उसके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो होंगे कि नहीं? नहीं बिल्कुल होंगे पैसे बिल्कुल लेकिन जो ओरिजिनल ड्रॉर है वो इसके खिलाफ केस करना चाहे तो कर सकता है लेकिन ये पैसे रिसीव कर लेगा बैंक को तो नहीं ना पता कंसेप्चुअली सोचे प्रैक्टिकली सोचे बैंक को तो नहीं पता भाई चोरी करके लाया कैसे करके लाया? वो तो इन गुड फेथ पेमेंट कर देगा हाँ अगर उसको इतलाह मिल गई हो कि भाई चोरी का चेक था फिर भी वो पेमेंट कर दे फिर बैंक कसूरवार है लेकिन नॉर्मली बैंक कसूरवार नहीं सब अगर उसे नहीं पता इसकी पेमेंट हो जाएगी होल्डर विद डिफेक्टिव टाइटल अच्छा अब सुनिए जरा एग्जाम्पल इनको चेक दिया मैंने इनका चेक चोरी हो गया सुनेगा एग्जाम्पल इनका चेक चोरी हो गया ए भाई ने चोरी कर लिया भाई साहब ने इन्होंने कहा यार अगर मैं खुद बैंक में जाऊं और अपने अकाउंट में जमा करवाऊं पैसे तो मेरे अकाउंट में आ जाएंगे लेकिन बाद में पता चल जाएगा कि मैं चोर हूं मैंने पैसे लिए हैं क्रॉस चेक है अकाउंट में किसी के भी जा सकता है लेकिन अकाउंट में जाएगा पता ट्रेस हो जाऊंगा मैं यहां पढ़ा लिखा चोर इसने क्या किया इसने गया ये हफीज सेंटर वहां से लैपटॉप खरीदा और उस बंदे को चेक दे दिया अब सुने ये भाई दुकानदार है इनको तो नहीं पता चेक चोरी का इनको नहीं पता ये बैंक के पास जाएंगे अपने अकाउंट में चेक जमा करवाएंगे पैसे मिल जाएंगे yes, पैसे तो इसको भी मिल गए थे इसको भी मिल गए फर्क क्या है अब जब ट्रेसिंग होगी और ये भाई पकड़े जाएंगे ये भाई जिन्होंने इन गुड फेथ उस चोरी का चेक एक्सेप्ट किया फॉर कंसीडरेशन इनसे रिकवरी नहीं करवाई जा सकती लॉ इनको प्रोटेक्ट करता है इनको प्रोटेक्ट दोनों एग्जाम्पल में फर्क समझ आया ठीक है अगर कोई चेक है होल्डर है डिफेक्टिव टाइटल डिफेक्टिव टाइटल उससे अमाउंट रिकवर की जा सकती है लेकिन अगर होल्डर विद डिफेक्टिव टाइटल यानी चोर उसे हम चोर कह देते हैं होल्डर विद डिफेक्टिव टाइटल में बहुत सी एग्जाम्पल आ सकते हैं चोरी कर सकता है वो डगेती में ले सकता है उसे कोई गुमशुदा हो वो मिल सकता है कोई भी हम इसे होल्डर विद डिफेक्टिव टाइटल जनरल वर्ड है लेकिन आसानी से समझने समझाने के लिए हम इसे कहेंगे थीफ चोर ज्यादातर यही ठीक है थीफ कह लें चोर कह ही बात हाँ लेकिन लेकिन समझने समझाते हुए हम टर्म यूज करेंगे चोर लेकिन जब नोट्स पढ़ेंगे उसमें लिखा होगा होल्डर विद डिफेक्टिव टाइटल आपने कंफ्यूज नहीं होना होल्डर विद डिफेक्टिव टाइटल बैंक के पास जाएगा बैंक को नहीं पता बैंक ने पेमेंट कर दी पेमेंट तो हो जाएगी बाद में इसे रिकवर करवाया जाएगा लेकिन अगर होल्डर डिफेक्टिव टाइटल से कोई अगली पार्टी इन गुड कंसीडरेशन के साथ चेक रिसीव करे तो याद रखे अब ट्रू ओनर इनके खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता वो किसके खिलाफ करेगा चोर के खिलाफ भैया बात समझ आई ये तो है नॉर्मल कंसर्ट इसमें नॉट निगोशिएबल कहां आया भला नहीं ना? Not, ये है सिंपल कंसेप्ट अगर आपने सिंपल क्रॉसिंग की हो तो यह कंसेप्ट लगेगा अब अगर आपने नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग की जनरल क्रॉसिंग उसमें लिख दिया नॉट निगोशिएबल अब क्या रूल है पहला गलत कंसेप्ट जो जहन में आता है ना नॉट निगोशिएबल का मतलब यह अब निगोशिएबल नहीं रहा ट्रांसफरेबल नहीं रहा नहीं नॉट निगोशिएबल का नॉर्मली मतलब यही होता है के ट्रांसफरेबल नहीं है लेकिन जब आप क्रॉसिंग करके उसमें नॉट निगोशियबल का लफज लिख दें इसका यह मतलब नहीं है कि निगोशियबल नहीं रहा अभी भी ट्रांसफरेबल है लेकिन इसका मतलब यू समझिए कि है नॉट ट्रांसफरेबल बाय थीफ़ कि कोई चोर आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता मतलब क्या हुआ सुनिए सारी एग्जाम्पल यही अब की बार फर्क सिर्फ यह है कि क्रॉसिंग हुई है जनरल उसमें लिखा हुआ है नॉट निगोशियेबल नॉट निगोशियेबल चेक था इनको दिया इनसे चेक गुम हुआ ये भाई इन्होंने चेक रिसीव कर लिया ये चोरी कर लिया कहीं से इसके बाद आगे दुकानदार को दिया नॉट निगोशिएबल इसके ऊपर लिखा है दुकानदार जैसे देखेगा ना नॉट निगोशिएबल आपने आइंदा जब कभी लफज आए ना नॉट निगोशिएबल चेक के ऊपर लिखा हुआ आपके जहन में टर्म आने चाहिए नॉट निगोशिएबल बाय थीफ है क्या है गोशियबल है थीफ नहीं कर सकता जिसके पास चेक ऐसा आए ना जिसके ऊपर नॉट निगोशिएबल लिखा हो वो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है लॉ कहता है अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इससे पूछो भाई तुम चोर तो नहीं हो अगर ये कहे मैं चोर हूं तो वो कहेगा ये तुम निगोशियट नहीं कर सकते इसको ये निगोशियबल नहीं है नहीं कर, समझा रहा हूं समझा जाहिर है वो तो कभी नहीं कहेगा समझा रहा हूं के अगर ये कहे नहीं नहीं ये जेनवन होल्डर है फिर यह निगोशिएट कर सकते हैं इसका मतलब यह हुआ अगर हमारे पास कंक्लूजन के ऊपर आ रहा आ रहा हूं हमारे पास कोई चेक आए कोई पार्टी हमें चेक दे उसके ऊपर नॉट निगोशिएबल नहीं लिखा हुआ तो हमें इससे गर्ज नहीं है चाहे उसने चोरी डकेती कुछ भी करके चेक लिया हो वो चेक हम रिसीव कर सकते हैं हमें पैसे मिलेंगे लेकिन अगर उस चेक के ऊपर नॉट निगोशिएबल लिखा हुआ है तो हमारे लिए लाजिम हो जाता है हम उससे पूछें भैया तुम्हारा डिफेक्टिव टाइटल है कि गुड टाइटल है हम इन्वेस्टिगेशन करें उससे पूछने का मतलब इन्वेस्टि अगर उसका डिफेक्टिव टाइटल है तो फिर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर गुड टाइटल है फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं लॉ इसको टेक्निकल वर्ड में कैसे कहता है कहता है आप टेक्निकल अल्फाज सुनिएगा कहता है नॉर्मल चेक के केस में एक होल्डर ऑफ डिफेक्टिव टाइटल नेक्स्ट पर्सन को गुड टाइटल ट्रांसफर कर सकता है यह बात समझ आई टेक्निकल अल्फाज में बता रहा हूं नॉर्मल हालात में होल्डर ऑफ डिफेक्टिव टाइटल अगले बंदे को गुड टाइटल ट्रांसफर कर सकता है लेकिन नॉट निगोशिएबल के केस में होल्डर ऑफ डिफेक्टिव टाइटल अगले बंदे को गुड टाइटल ट्रांसफर अगर नॉट निगोशिएबल लिखा हुआ है होल्डर का टाइटल डिफेक्टिव है जिसको ट्रांसफर किया उसका टाइटल भी डिफेक्टिव होगा अब की बार अगर चोरी का चेक है नॉट निगोशिएबल इन्होंने नहीं देखा चोरी का चेक इन्होंने चीजें बेची लैपटॉप बेचा अब बैंक में चले गए ठीक है अब क्या इनका राइट टू रिसीव मनी है नहीं है अगर बैंक गलती से इन गुड फेथ इनके अकाउंट में पैसे डाल भी देता है अब इनके खिलाफ केस होगा चोर के खिलाफ केस नहीं होगा चोर के खिलाफ केस नहीं किन के खिलाफ इन, क्योंकि इनका टाइटल भी डिफेक्टिव था और वो जो और है वो इनसे पैसे रिकवर करवा सकता है कुछ बात समझ आई बताइए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कितने टाइप्स तीन, तीन कौन कौन से? सेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट के तीन टाइप बिल ऑफ एक्सचेंज चेक अच्छा चेक की कितने टाइप्स हैं दो कौन कौन से ओपन क्रॉस चेक क्रॉसिंग कितने किस्म की हो सकती है हाँ पहला जनरल जनरल क्रॉसिंग होती कैसे है दो लाइनें लगा दो एंड कंपनी लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता दो लाइनें लगा जनरल क्रॉसिंग का इफेक्ट क्या होता है कि वो सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसे आ सकते हैं और दूसरा रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग क्या होती है हम लाइनें भी लगा दें और अकाउंट पे ही ऑनली भी लिख दें और बंदे का नाम लिख दें चेक के ऊपर अब रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग का इफेक्ट क्या होता है पैसे सिर्फ उसी बंदे के अकाउंट में ट्रांसफर होंगे स्पेसिफाइड पर्सन के और ये चेक मज़ीद मजीदशियबल नहीं।, नहीं रहा स्पेशल क्रॉसिंग क्या होती है कि जिसमें बैंक का नाम मेंशन कर देते हैं अब उसमें जो कलेक्शन करनी है हमारे बिहार पे क्लियरिंग प्रोसेस में कलेक्शन वो सिर्फ स्पेसिफाइड बैंक करेगा और नॉट निगोशिएबल का मतलब क्या है कि ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है नहीं नहीं निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट है फिर इसका मतलब क्या है ये ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन परसेंट दूर इसका मतलब ये है कि होल्डर ऑफ डिफेक्टिव टाइटल कैन नॉट ट्रांसफर गुड टाइटल होल्डर ऑफ डिफेक्टिव टाइटल कैन नॉट ट्रांसफर गुड टाइटल यानी हमारे पास जब चेक है नॉट निगोशियेबल लिखा है हमारे ऊपर जिम्मेदारी बनेगी ये तसल्ली करना ये उसका गुड ओनर है कि नहीं ट्रू ओनर है कि नहीं क्लियर होगी ये बात अब आगे चलते हैं हु क्रॉस ये से अच्छा आगे वो नहीं बढ़ाता लेकिन ये सिंपल इसी से रिलेट रिलेटेड क्रॉसिंग कौन कर सकता है होल्डर भी बैंक में होल्डर कौन कौन सी क्रॉसिंग कर सकता है भाई जनरल क्रॉसिंग कर सकता है स्पेशल yes, क्रॉसिंग कर सकता है yes, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग कर सकता है नॉट yes, निगोशियबल कर सकता है बैंक लेकिन ये सारी क्रॉसिंग नहीं कर सकता बैंक सिर्फ एक क्रॉसिंग कर सकता है और उसका ज्यादा दिल करे तो दोबारा स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता है कस्टमर ने स्पेशल क्रॉसिंग की बैंक के नाम पे बैंक कह रहा है यार आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, है फैसल बैंक वाला कह रहा है यूबीएल को कहता है यार ऐसा करो कि तो आज मेरी तबीयत मेरे तुम जा रहे हो ना उधर ये मेरे चेक भी लेते जाओ अपने किसी एजेंट को कलेक्शन के लिए भेज सकता है बैंक भेज सकता है इस सूरत में उसके ऊपर लिखा होगा फैसल बैंक फैसल बैंक वाला मजीद क्या लिख देगा यूबीएल और अपना भी ठप्पा छप्पा लगा देगा जिसे पता चले कि इसी ने लिखा है क्रॉसिंग दोबारा हो गई हो स्पेशल हो तो स्पेशल क्रॉसिंग बैंक भी कर सकता है और बैंक दूसरी दफा भी कर सकता है ज्यादा दिल करे लेकिन बैंक जनरल क्रॉसिंग नहीं कर सकता जनरल क्रॉसिंग नहीं कर सकता वो कस्टमर नहीं करने जनरल क्रॉसिंग के साथ छेड़छाड़ करता है बैंक तो वो लाइबल हो जाएगा एक चेक जनरली क्रॉस था उसने उसके ऊपर रिमूव कर दिया और कैश में पेमेंट कर दी उस बैंक को पकड़ लेंगे ओपन चेक था वो कहता है नहीं 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 बैंक के पास चेक आया बैंक ने उसके ऊपर क्रॉसिंग कर दी और कहा नहीं नहीं अकाउंट में जाएगा वो जो बंदा चेक ले गया था एक लगाएगा उसे उसको ओपन चेक था तूने तो क्यों छेड़छाड़ की इसके साथ जनरल क्रॉसिंग के साथ तुम्हारा लेना देना ही नहीं है तो बैंक जो है वो जनरल क्रॉसिंग रिस्ट्रिक्टिव नॉट निगोशिएबल इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करता वो सिर्फ एक क्रॉसिंग कर सकता है कौन से अच्छा अब ये कंसेप्ट समझ आ गया वो किताब में उसने उसको रगड़ा हुआ है कंसेप्ट को कैसे क्रॉस हुए इफ ए चेक इज अनक्रॉस्ड होल्डर में क्रॉस जनरली इफ चेक इज जर्नी क्रॉस होल्डर में क्रॉस रिस्ट्रिक्टिवली होल्डर में क्रॉस स्पेशली होल्डर में पुट टू लाइंस ऑन चेक ऑन द फेस ऑफ द चेक एंड में राइट नॉट दिगोशियबल एन एड वो कहानी सिखाई हुई है उसने लेकिन हमने कहानी के ऊपर नहीं कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है कंसेप्ट समझ आ गए चलिए जरा क्विक सी रिविजन ना कर लें अच्छा चले अच्छा आप सुन लें अब देखे यहां पे तरतीब सबसे अहम है तो जो मैं जिस तरीके से आपको कहूं आपने उसी तरीके से घर जाके पढ़ना है इधर उधर की चीज कोई नहीं पढ़नी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 11 में डेफिनेशन ऑफ चेक पढ़ेल ऑफ चेक पढ़े लाइबिलिटीज नहीं पढ़ने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 12 में पहला पैरा पढ़े टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग पढ़े हु कैन क्रॉस चेक पढ़े इफेक्ट ऑफ एडिंग वर्ड नॉट निगोशिएबल पढ़े राइट ऑफ होल्डर और प्रोटेक्शन टू बैंकर नहीं पढ़ना ये कल के लेक्चर में हमने कवर करना ठीक है क्लियर होगी और क्वेश्चंस भी अभी कोई नहीं पढ़ने आपने क्वेश्चन भी कोई नहीं पढ़ने सिर्फ ये मटेरियल, लेकिन ये इंश्योर करना है कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं आपको 100 परसेंट समझ आनी चाहिए क्लियर होगी ये बात चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म कर